प्रधानमंत्री मोदी 3 दिनों के दौरे पर आज जाएंगे राजस्थान जयपुर में। डीजीपी सम्मेलन में होंगे शामिल, बीजेपी दफ्तर में पार्टी नेताओं से करेंगे बात। आज हिमाचल के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सोलन में किया रोड शो, बोले राहुल की भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है। कांग्रेस की गठबंधन समिति ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, जल्द शुरू होगा सीट बंटवारे का काम, नीतीश को बनाया जा सकता है गठबंधन का संयोजक। नीतीश के संयोजक बनने की खबरों का उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने किया समर्थन, कहा नीतीश कुमार को लेकर सभी की राय सकारात्मक है। बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी का दावा, कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ब्लैकमेल कर बनने जा रहे इंडिया गठबंधन के संयोजक। कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व वाली यात्रा का नाम बदलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा, 14 जनवरी से शुरू होगी मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा। AIUDF अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल का राहुल गांधी पर तंज, कहा राहुल नेहरू परिवार से हैं, वो जहां जाएंगे वहां भीड़ उन्हें देखने आएगी लेकिन वोट नहीं देगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले इंडिया गठबंधन का ना तो वर्तमान है ना भविष्य, ये टूटा फूटा गठबंधन है, बीजेपी को 400 पार सीट मिलने का किया दावा। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बार फिर राज्यसभा के सांसद प्रत्याशी होंगे संजय सिंह, 19 जनवरी को है राज्यसभा का चुनाव। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नो योर आर्मी फेस्टिवल का उद्घाटन किया, इस दौरान सेना के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। चुनाव आयोग ने जयराम रमेश के ईवीएम पर सवाल उठाने वाले खत का दिया जवाब, लिखा आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद, चुनाव आयोग को ईवीएम पर है पूरा भरोसा। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, एक आतंकी को मार गिराया, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में ईडी की टीम पर अटैक, एक अधिकारी घायल, गाड़ियों के शीशे टूटे, राशन घोटाले की जांच के लिए टीएमसी लीडर शेख शाहजहां के घर करनी थी छापेमारी। ईडी की टीम पर हमले को लेकर गरमाई सियासत, बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा, कहा रोहिंग्या राज में क्या हो रहा है कानून व्यवस्था के साथ। बीजेपी के बयान पर टीएमसी का पलटवार, शांतनु सेन बोले ईडी ने स्थानीय लोगों को भड़काया, अधिकारियों पर हमला उसी का नतीजा। INLD नेता दिलबाग सिंह के खिलाफ ईडी का एक्शन, घर से 5 करोड़ कैश और सोना भी जब्त, विदेशी हथियार और 300 जिंदा कारतूस भी बरामद। मानहानि केस में तेजस्वी यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली, गुजरात में चल रहे मुकदमे को ट्रांसफर करने की मांग की है। दिल्ली दवा घोटाले मामले में गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, एमएचए ने एलजी की सिफारिश पर सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने को कहा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह 18 जनवरी से होगा शुरू, सबसे पहले मूर्ति के साथ होगा नगर भ्रमण, सभी ब्राह्मणों को दी जाएगी जिम्मेदारी। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख को लेकर मुहूर्त निकालने वाले ज्योतिषी ज्ञानेश्वर शास्त्री बोले मुहूर्त का चुनाव से कोई लेना देना नहीं। पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज 3 भजन को सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, गायक जुबी नौटियाल, पायल देव और मनोज मुंतशिर की तारीफ की। सिंगर जुबी नौटियाल ने की एबीपी न्यूज से बातचीत, आज प्रधानमंत्री मोदी ने जुबिन के राम भजन को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर बाबा बागेश्वर बोले भगवान राम राजनीति का विषय नहीं, धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं। इंडिया गठबंधन पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा वार, कहा प्राण प्रतिष्ठा से पहले बड़ी दुर्घटना करवा सकता है विपक्ष। मथुरा में शाही ईदगाह को श्रीकृष्ण जन्मभूमि घोषित करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना किया, पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मना किया था।